जय श्री राम दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज की ब्लॉग की स्टार्ट करेंगे दिन में से, दिन के बज गए 12 और मेरा हो गया लंच बनाने का टाइम। और अब मैं आई हूँ रसोई में। मैं बनाऊंगी आज कड़ी चावल, सोच लिया मैंने कड़ी चावल। और अभी दिखाते हैं आपको मैं कैसे बनाती हूँ कड़ी चावल और आप कैसे बनाते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना और पूरा वीडियो देखना। आप ना तो आप ना कमेंट करते हो और आप ब्लॉग नहीं देखते दोस्तों। मुझे सब पता है कि ब्लॉग कोई नहीं देखता। ब्लॉग पता, एक जहाँ पहले मैं रहते हैं दिल्ली में रहती थी ना, मेरी एक जिस फ्लैट में हम रहते हैं वहाँ पे एक दीदी रहती है, पंजाब से हैं। तो वो दीदी ना मेरे पूरा ब्लॉग देखती है, तब जाके कमेंट करती है। और कमेंट तभी कमेंट करे जब पूरा ब्लॉग देख के कमेंट करती है, तुमने ऐसा करा ऐसा करा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दीदी का कमेंट पढ़ के ना। वो दीदी का कमेंट पढ़ती मुझे इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही खुशी होती है मुझे उनका कमेंट पढ़ के ना। बहुत अच्छा, क्या बोलूँ मैं, अच्छा। वही मेरी वीडियो देखती हूँ पूरा। और बाकी लोग तो ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, देखते भी नहीं है वीडियो को। मतलब ये है कि खरे फॉर्मेटिव निभा देते हैं कि कमेंट करना है। तो दोस्तों ऐसा मत करो, कमेंट करो। मैं भी कमेंट कर देता, आपका पूरा ब्लॉग देख के करती हूँ। और कमेंट तो आप करते हो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक तो करते ही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, कमेंट भी कर दिया ये भी बहुत बड़ी बात है। और वो दीदी तो मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं, तो मैं दीदी को यही बोलना चाहती हूँ कि दीदी मेरा ब्लॉग पूरा देखा करो, कमेंट रोज करा करो। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं इंडिया आऊँगी ना, तो मैं दीदी के लिए ऑस्ट्रेलिया से चॉकलेट लाऊँगी। चॉकलेट मैं औरों को नहीं दूँगी, जो मेरे को कमेंट करेगा ना, जो मेरा वीडियो देखेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, मैं उसी को दूँगी चॉकलेट जो मेरा वीडियो देखेगा। तो चलो दोस्तों, मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसे ही बोल देती हूँ उल्टा सीधा ना, बुरा मत मानना मेरी बात का। और मैं बनाती हूँ खाना, तो मैं बनाती हूँ आज कढ़ी चावल। तो चलो खाना बनाने जाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। कितना मिस्टेक हो जाता है ना मेरे से बीच में बोलने से, बहुत ही मिस्टेक करते हैं दोस्तों में ना, मुझे माफ़ करना प्लीज, मिस्टेक बहुत होती है। और खाना खाने वाले अभी आ जाएंगे और मेरा अभी खाना भी नहीं बना। अभी मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ आपको, दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बनाती हूँ कढ़ी चावल। यहाँ पर मैंने दही निकाल दिया, इसमें बेसन घोलूँगी अभी। अभी मैंने इसमें पानी निकाला। और यह है धनिया, यह है हरी मिर्च, और मैं प्याज लहसुन नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ना भूख लगाना होता है। तो प्याज लहसुन खाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभार खा लेते हैं, पर मेरे को भूख लगाना है। और चलो स्टार्ट करते हूँ, फटाफट बनाती हूँ। तो दोस्तों खाना मैंने चढ़ा दिया चूल्हे में, खाना अंदर बन रहा है। मैं आ गई हूँ बाहर धूप सेकने, फिर धूप चली जाएगी। तो यहाँ पर बैठे बैठे थोड़ा याद आया कि थोड़ा आपको एक भजन गुनगुना दूँ आपके साथ। आवाज़ तो अच्छी नहीं है मेरी। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में गांटे, अरे कोई कारण होगा, तेरे वश में कुछ भी नहीं, यह तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, यह तो प्रभु की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग बिरस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जय श्री राम। इतना ही आता है दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा भजन ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरी आवाज़ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने थोड़ा तेल डाल दिया, थोड़ा राई दाना डाल दिया, थोड़ा डाल दिया मैंने इसमें, क्या बोलते हैं, धनिया।
नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी तो मैंने पीसे है, जो मैंने अभी तेल भुना था वो तेल को भुनी पे, और यहाँ पे लाल मिर्च, लाल मिर्च का वो होता ना कुटा हुआ मिर्च नहीं है मेरे पास, मैंने साबुत मिर्च को काट रखा है, और यह है तिल, तिल को मैंने पहले भुना, उसके बाद मैंने इसको पीस दिया। मैं इसमें डालूँगी इसको, मैंने डाल दिया, फिर भून के इसमें डाल दिया मैंने, यह है हमारा टपकी। इसमें और कुछ नहीं डालना है मसाला, मैंने तेल पीस के डाल दिया, और अब इसमें मार दो ढक्कन हल्का सा, आग में पक जाएगा अभी, हल्का सा आग में इसको छोड़ देते हैं तब तक ये पक जाएगा। बन रही है मेरी कढ़ी, कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा और पकाऊंगी। मेरा मुझे मूली का टपकी हो गया है, देखो मैंने बना दिया मूली की टपकी, और इधर इधर हो गई हमारी ढेरी पक के तैयार। तो दोस्तों ये पक गया, इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डाल देती हूँ, और आपने इसमें ना नींबू, नींबू का रस डाल सकते हैं थोड़ा सा, मेरे पास भी नींबू तो है नहीं, जब होता तो मैं फेंक देती हूँ, अरे नींबू थे घर में ख़राब हो गए थे ना, इसलिए नींबू है नहीं, मैं नींबू नहीं डालूँगी, कहाँ से डालूँ, आप नींबू डाल देना इसमें, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, बहुत ही टेस्टी बनता है, अच्छा बनता है, कोई बात नहीं, मेरे को बिना नींबू का भी अच्छा लगता है, पर आप नींबू डाल सकते हैं इसमें। तो चलो अब खाते हैं हम खाना, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है, खाना ज़्यादा खा लिया, अब बर्तन कौन धोएगा, खाना खा के सीधा बर्तन धो लेते हैं, अगर बर्तन नहीं धोएंगे ना पड़े रहेंगे, खाना खाते ही तुरंत बर्तन धो लो सही रहता है, फिर ठंड लग रही फिर उठने को मन नहीं करेगा। चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। चलो दोस्तों बर्तन धो के मैं आ गई हूँ बाहर, धूप चली गई, नीचे देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया हमारे घर के इधर, धूप नीचे चली गई है, अब आपको दिखाते हैं, सुबह से आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखाया, अब देखो बाहर हमारे घर पे वो उधर चली गई धूप। ओ एलोवेरा, आजकल बड़े हो गए मेरे एलोवेरा ये, तो दोस्तों एलोवेरा है ना ये, मेरे को तो पहचान ही नहीं है, एलोवेरा ही होगा ये, देखो कमेंट करके कोई बताएगा ये एलोवेरा है, जरूर बताना है दोस्तों। तो चलती हूँ अंदर, और शाम के बज गए 4, अब हो गया हमारा चाय का टाइम। दिया इसमें डाल दिया मैंने खूब सारा अदरक घिस के, अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। तो दोस्तों किस किस को चाय पीनी है, चाय पीने आ जाओ, आ जाओ आपको भी चाय पीनी है तो चाय पी जाओ। दोस्तों कैसे पिलाऊं आपको चाय, मैं इतने दूर हुई है, चाय चाय चाय, खाना खाना खाना, क्या करो। दोस्तों चलो पी लेते हैं चाय, और उसके बाद आपको मिलते हैं।
तो दोस्तों चाय पी के अब आप बारी आती है मेरे कपड़े तय करने की। मैं सारे कपड़े धो रखे हैं मैंने, कपड़े तय करने की उज नहीं आ रही। तो बताओ दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और मेरा भजन आपको कैसा लगा, ज़रूर पूरा ब्लॉग देखना और अपनी फैमिली के साथ खुश रहना और इन्जॉय करना और खुश रहना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग। अब हमने चाय पी लिया और मेरे बहुत सारे कपड़े हैं तय करने को, और ये कपड़े इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने कल, कपड़े भी तय करने के लिए ऐसे ही पड़े हैं और कपड़े प्रेस भी करने हैं अभी, इतनी ठंड हो रही ना, बहुत ठंड हो रही है। आजकल यहाँ ना बाहर धूप भी नहीं आती हमारे इधर, दो दो तीन तीन दिन में सूखते हैं कपड़े। तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो इस टाइम इंडिया में? हमारे यहाँ तो 4:30 हो गए हैं और मेरा सारा काम तो हो गया, बस ये कपड़े तय कर रही हूँ, शाम की चाय भी हो गई हमारी और कपड़े प्रेस करने हैं अभी मेरे को, बाकी काम तो हो गया। यह है मेरा कुर्ता, ये ऊन का कुर्ता है, आजकल निकाल रखा मैंने जड़ ठंडों में, ठंड हो रही है। इस कुर्ते को 6 साल हो गए दोस्तों, यहाँ तो यहाँ ना ये 6 साल हो गए इस कुर्ते को। जब मैं शुरू में आई थी ना तब मैं लाई थी 3-4 कुर्ते लाई थी ऊन के दिल्ली से, तो अब ये भी बिल्कुल ऐसे हो गए पुराने, अब यहाँ तो मिलते ही नहीं ऐसे कपड़े, मेरे को यहाँ के कपड़े पसंद आते ही नहीं है, क्या करें। और मेरे को यहाँ के कपड़े पसंद नहीं आते, मेरे को ना सलवार कुर्ता ही पहनने को मन करता है, जीन्स में बहुत कम पहनती हूँ, जीन्स मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ। पर कभी कभी आप मजबूर में मुझे पहनना पड़ता है, सूट तो मेरे सारे फट गए, अब लगभग सूट सारे फट गए, गर्मी के सूट तो है ही नहीं, फिर ऐसी कभी जीन्स को पहनना पड़ता है मजबूरी में। यहाँ नहीं मिलते इंडियन कपड़े ना, यहाँ नहीं मिलते हैं इंडियन ये सूट, शायद मेलबर्न में उधर मिलते हों, पता नहीं कब आना होगा इंडिया, कब लाऊंगी मैं अपने लिए सूट। इसी इन्हीं 6 सालों से वही सूट गुनिया रही हूँ, क्या करें। मेरे को तो सलवार कुर्ता ही अच्छा लगता है अपना ना, मैं जीन्स बहुत कम पहनती हूँ, क्या करूँ, पहनना पड़ता ना, मजबूरी में पहनना तो पड़ेगा। ये तो सर्दी के है ना ये ऊन के कुर्ते, गर्मी के मेरे पास 2-4 जोड़ी सूट पड़े थे, वो सब फट गए, 6 साल से तो फटने ही उन्होंने। और ये है आज का ब्लॉग, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? और अभी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, बाकी मैंने जो प्रेस नहीं करने थे वो मैंने तय कर दिए हैं, और फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।